नमस्कार साथियों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इज़ोफेगस, यानी कि गाय भैंस भेड़ बकरी या एनिमल की स्पीसीज हैं जिनके गले में यानी कि इज़ोफेगस में किसी भी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, यानी कि सिंपल भाषा में हम कहें तो गले में कोई ऐसी चीज़ फंस जाती है जिसकी वजह से पशु जो कुछ भी खाने की कोशिश करता है लेकिन वो खा नहीं पाता है, क्योंकि जब गले में एसोफेगस में ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो वो जो कुछ भी खाएगा वो मुंह में खाएगा, उसको चबाएगा, जब वो निगलने की कोशिश करेगा तो वो जो पदार्थ है, वो जो चीज़ें हैं वो उसके नाक से और मुंह से बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं एसोफेगस। और गाइस, ये बहुत सारे एनिमल्स में देखा गया है, जैसे कि जो पशु ज़्यादातर चरने के लिए जाते हैं, जिनको कि खुला चरने के लिए छोड़ा जाता है, तो वो कोई एक ऐसी चीज़ खा लेते हैं, कोई ऐसे पदार्थ खा लेते हैं, कोई ऐसे फॉरेन बॉडीज़ खा लेते हैं। कई बार पशु जैसे कोई फल का पेड़ है, फल नीचे गिरे होते हैं ज़मीन पे, उनको खा लेता है तो वो कई बार पूरे की पूरे पशु के गले में फंस जाते हैं। कई बार कोई सब्ज़ी, कई बार कोई ऐसी फॉरेन बॉडीज़, कई बार जो हम बर्तन धोते हैं उसका जो मटेरियल होता है वो, मतलब कि कोई भी ऐसी फॉरेन बॉडीज़, कोई भी ऐसा फल, कोई भी ऐसी चीज़ पशु के गले में फंस जाती है। घर में भी ऐसी कंडीशन पशुओं में देखने को मिलती है, और जो खुले में चरने के लिए जिनको छोड़ा जाता है पशु को, उनमें भी काफ़ी जो है ऐसी कंडीशन में देखा गया है। तो ये जो केस होते हैं, ये केस होते हैं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इज़ोफेगस का। ठीक है, ये कैटल बुफेलो जो भी एनिमल्स होते हैं उन सभी में होता है, मेनली लाइफ स्टॉक जो स्पीसीज हमारी होती हैं उनमें भी ये होता है, और जो पशु खुले में चरते हैं उनमें, हर एक एनिमल्स में इस बीमारी को हम देख सकते हैं। हालांकि गाइज, ये एक बीमारी नहीं है, आप इसको एक बीमारी नहीं बोल सकते, क्योंकि जब जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे उस ऑब्स्ट्रक्शन को हटाया जाता है तो पशु एकदम से बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो ये जो कंडीशंस होती है, ये छोटे बछड़ों में जो ज़्यादातर जो है वो ठंड के दिनों में देखी जा सकती है। ठीक है, कई बार पशु दूध पीने की कोशिश करता है तो दूध पीता भी है लेकिन निगल नहीं पाता है, तो वो क्या होता है कि उसके मुंह से बाहर निकल के आ जाता है। तो ये जो है ये होता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इज़ोफेगस। ठीक है, अब अगर ऐसी कंडीशन आपके पशु में हो तो आप कैसे इसको डायग्नोस कर सकते हैं? ठीक है, तो एक तो पशु के अगर गले में ऐसी कंडीशन है तो सबसे पहले क्या होगा कि पशु जो भी खाएगा, जो भी घास है, पानी है, जो भी पशु खाने की कोशिश करेगा, जो है वो खाएगा, चबाएगा, वो तुरंत से बाहर फेंक देगा। इसका मेन जो सिम्टम है वो है ये। दूसरा ये है कि पशु बार बार गले में दर्द करेगा, ऐसा मुंह को उठाने की कोशिश करेगा, उठा कर रखेगा, क्योंकि जब उसको अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, इधर उधर घुमाएगा, पशु ऐसी कोशिश करेगा ताकि उसके गले में जो चीज़ फंसी हुई है उसको वो निकाल सके। लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन जब गले में है तो आमतौर पर पशु खुद से नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, तो इसको डायग्नोस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसको आप बहुत सारे लोग न्यूमोनिया के साथ भी डायग्नोस करते हैं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो कोई इंजेक्शन लगा लेता है, लेकिन जो मेन जो बीमारी होती है, जो सिम्टम्स होता है इसमें, वो होता है गले की ऑब्स्ट्रक्शन का। और हम ऐसे ही जो पेंसिलिन के, एंटीबायोटिक के और अदर जो इंजेक्शन होते हैं उनकी जो कोर्स होता है वो एनिमल को कराते हैं। ठीक है, जब तक सही डायग्नोस नहीं होगा तो ट्रीटमेंट 0% है। ठीक है, तो इसमें जो ट्रीटमेंट हम बात करें इलाज की, तो वैसे तो सर्जरी की जाती है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो सर्जरी करते हैं, वो सिंपली वहाँ पे कट लगाएंगे और जो भी अंदर मटेरियल है उसको बाहर निकालेंगे, फिर स्विचरिंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सर्जरी से इज़ोफेगस के ऑब्स्ट्रक्शन को रोका जा सकता है। और इसमें काफ़ी सारे पशुओं में जो है वो डेथ के चांसेस भी बन जाते हैं, क्योंकि जब पशु ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, कुछ खा पी नहीं पाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एनिमल्स की, जो छोटे पशु होते हैं, उनकी जान जाने का खतरा भी होता है। ठीक है, तो टाइमली अगर ऐसी कंडीशन पशु में देखने को मिलती है तो आप तुरंत से डॉक्टर के पास अपने एनिमल को दिखाइए। और साथियों, सबसे जो आसान सा जो इसमें तरीका है वो है स्टमक ट्यूब का। ठीक है, मार्केट में छोटे पशुओं के लिए, बड़े स्पीसीज के लिए, गाय भैंस के लिए अलग से, और जो छोटे लवारे होते हैं, छोटे पशु होते हैं, उनके लिए अलग से स्टमक ट्यूब्स अवेलेबल हैं, तो उनको आप परचेज़ कर सकते हैं जो कि प्रैक्टिशनर भाई हैं, क्योंकि उनके लिए ये वीडियो है। और कोई भी ऐसा घर में खुद करने की कोशिश मत कीजिएगा, सिंपली से स्टमक ट्यूब को लाना है। स्टमक ट्यूब को क्या करना है कि अच्छी तरह से लुब्रिकेंट लगाना है, और ऐसा ध्यान रखना है कि जो आपकी स्टमक ट्यूब है वो
बहुत ज़्यादा सख्त ना हो, वो बिल्कुल मुलायम होनी चाहिए। बहुत अधिक सख्त होगी तो जब उसको मुंह के अंदर डालेंगे तो वो इंजरी कर सकता है, जो कि एक और प्रॉब्लम पशु में आ सकती है। तो ऐसी कंडीशन में जो स्टमक ट्यूब होती है वो आपको लेनी है, और स्टमक ट्यूब लेनी है जो अगर छोटा है तो उसके लिए छोटी स्टमक ट्यूब हमें लेनी है, या फिर घर में भी कोई एक ऐसी पुरानी स्टमक ट्यूब हो सकती है, कोई ऐसी पुरानी पाइप, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बड़ी ही सावधानी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, और जिसको इसके बारे में अनुभव है वही व्यक्ति इस काम को करें। अदरवाइज़ अगर आप गलत तरीके से डालेंगे तो पशु का जो सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है और अदर प्रॉब्लम भी पशु में हो सकती है। तो सिंपली से जो स्टमक ट्यूब होती है उसमें क्या किया जाता है कि लुब्रिकेंट लगाया जाता है, और फिर स्टमक ट्यूब को पशु के जीभ के ऊपर से अंदर डाला जाता है, और ईजोफेगस में जब वो पहुंचती है तो जब उसको अंदर डाला जाता है ईजोफेगस में, जो चीज़ ईजोफेगस में फंसी होगी जब उसको डाला जाता है तो स्टमक ट्यूब उस जो चीज़ है उसके साथ अटक जाएगी, ठीक है। और उसको जब हम अंदर की ओर थोड़ा सा धीरे धीरे करके जो है उसको अंदर करेंगे तो जो ऑब्स्ट्रक्शन की चीज़ है, चाहे वो कोई फॉरिजन बॉडी है, कोई फल है, या कोई भी वस्तु है, वो पशु के पेट में चली जाएगी। जब वो पशु के पेट में चली जाएगी तो जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप अपने पशु को जो भी खाने के लिए देंगे, पिलाने के लिए देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक मिनट में जो है इस काम को करने से 1 मिनट में 100% रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिल जाता है। पशु के पेट में वो चीज़ पड़ी रहेगी, इससे क्या होता है कि पशु के बचने के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं, और जो स्टमक ट्यूब से जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो सीधे उसको पशु के पेट में धकेल दिया जाता है। और क्योंकि एकदम से हमें स्टमक ट्यूब को जल्दी से नहीं करना होता है, आराम आराम से धीरे धीरे से करके जो व्यक्ति अनुभवी है उसी को इस काम को करना होता है। YouTube पर आप प्रैक्टिकली काफ़ी सारी इस तरह की वीडियोज़ को देख सकते हैं, लेकिन जब तक आप सही गाइडेंस के साथ, सही गाइडलाइन के साथ नहीं करेंगे तब तक आप इस काम को नहीं कर पाएंगे। तो यही है कि इजोफेजियल जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो मैंने बता दिया आपको कि कैसे होती है, कैसे हम इसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और अदर इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि आपको कुछ ऐसे इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है। अगर आपको इंजेक्शन के तौर पर कुछ एक यूज़ में लाना ही है तो नॉर्मली आप डाइक्लिस्टेसिन जो इंजेक्शन है एंटीबायोटिक, उसको आप एक दिन का इसमें इलाज आप कर सकते हैं, उसको आप 2.5 ग्राम तक दे सकते हैं। अगर बड़ी स्पीसीज है तो उसको आप दर्द के लिए मेलोक्सिकैम दे सकते हैं, ठीक है, और बी कम्प्लेक्स विद लीवर एक्सट्रैक्ट और एंटी हिस्टामाइन, ये आप एक दिन का दे सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत लंबा ट्रीटमेंट इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही पशु के गले की जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो चली जाएगी तो पशु एकदम से नॉर्मल हो जाएगा। तो गाइज, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।